गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ। सुबह सुबह बारिश का माहौल था और हम निकल पड़े हैं पावागढ़ जाने के लिए। और आज हम जाएंगे 10-15 बाइकर्स है हमारे साथ, 650s है ओनली, तो हाईवे पे बहुत मज़ा करेंगे। चलिए तो उनको मिलते हैं, आगे वो खड़े हुए हैं। सो हमने सबने अपनी टायर प्रेशर चेक कर लिया है, पेट्रोल भी चेक कर लिया है, सबको कंप्लीट है। अब यहाँ से हम निकलेंगे बड़ौदा एक्सप्रेस वे पे और वहाँ से जाएंगे पावागढ़ का सफ़र करने। सो बहुत दिन बाद हम आज जाएंगे राइड पे और इतनी लॉन्ग राइड काफ़ी टाइम से नहीं की थी, तो आज हो जाएगी। अभी सुबह का टाइम है, फिर भी ट्रैफिक भी बहुत है यहाँ पे। सो ये हमारे पास है बिनी है, बिनी शर्मा द व्लॉगर द म्यूजिशियन। बाइक में अभी क्या दिक्कत आ रही कि जब भी मैं हैंड वाइड करता हूँ, ओपन करता हूँ, तो बाइक का स्टीयरिंग है वो वॉबल करने लगता है। यानी बहुत सारे लोगों ने की थी ये कंप्लेंट, बट मैंने अभी मार्क की है मेरे बाइक में। तो होता है, ये सब चलता रहता है, बाइक है। आज हाईवे पे ट्रैफिक भी बहुत नहीं है, तो मज़ा आता है बाइक चलाने में। और आज बहुत ही मस्ती करेंगे हाईवे पे, क्योंकि हाईवे पे कोई और नहीं है, हम ही है, हमारा ग्रुप ही है। आगे मिले तो पता नहीं। जब भी कॉर्नरिंग करने का टाइम आता है, तभी एक्साइटमेंट और लेवल तक ही पहुंच जाता है। सो ये हमारा राघव है, राघव चौहान, जो कि बहुत ही कम आता है बट अच्छा चलाता है वो बंदा। और ये राज है, ये कभी कभी आता है और बहुत ही अग्रेसिव राइडर है वो, संभालना पड़ता है थोड़ा। सो आप देखते हैं, ये रिक्शा वाला देखिए। अभी ये इंडिया में ये बहुत ही दिक्कत है, फ्लाईओवर पे भी आपको रॉन्ग साइड पे रिक्शा या बाइक वाले मिल जाते हैं और दिक्कत उनको नहीं होती है, सामने वाले जो आता है उनको होती है। सो यहाँ पे हम निकल चुके हैं, दो और बाइकर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं और आगे वेटिंग भी कर रहे हैं और लोग, और पीछे भी और 5-6 बाइकर्स आ रहे हैं, वो लेट हो चुके थे इसलिए। सो ये हमारे राघव भैया निकले एक्सीलेटर दबा के। सो नाउ हम भी थोड़ा घुमाते हैं। अभी सुबह सुबह बारिश हुई, तो ध्यान रखना पड़ता है कि हाईवे पे पानी कहीं हो ना। और आप जब भी कॉर्नरिंग करें, तो आप ध्यान रखें कि जो भी कोई मोड आए, तो आप संभाल के वो कॉर्नरिंग को करिए। तो ये एक्सप्रेस हाईवे है, तो फिर भी लोग रास्ता क्रॉस कर लेते हैं कई बार, तो ध्यान वो भी रखना पड़ता है कि ओपन हाईवे है, ट्रैफिक भी नहीं है, आप भगा रहे हो, पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, आगे चौकन्ना रहना ज़रूरी है। तो बी श्योर, आप ध्यान रखिए अपनी राइडिंग का और संभाल के चलाइए बाइक को। सो ऐसे लोग भी है जो बिना साइड लाइट दबाए और मुड़ ही जाते हैं। और ये देखिए, हमारे इंडियन हाईवे पे एनिमल्स का बहुत ही कहर है। आप कहीं हाई स्पीड पे होते हैं और अचानक से आपके पास सामने एक एनिमल आ जाता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब करना क्या है। तो ये लीजिए, ये दूसरा कॉर्नरिंग आया और हम जा रहे हैं फोर्स लाइट करके। बहुत ही मजा आता है ये टर्निंग पे।
दूसरा कुछ प्लान नहीं है, बस पावर जाएंगे ऊपर जो मंदिर है, जो सरदार भाई है अपने, वो उनके कुछ पहचान है, तो वहाँ पे अंदर से दर्शन करेंगे और वापस आके खाना खा के फिर वापस घर निकलेंगे। और ये देखिए और बाइकर्स वेटिंग कर रहे थे हमारा, और हम उनको भी लेके हमारे साथ आगे बढ़ चुके हैं। सो आई थिंक सो ये वडोदरा आने में अभी कुछ ही देरी बाकी है, और यहाँ पे हम रुके थे कि एक बंदे का पंचर हो गया था, आई थिंक सो वो हमारा बीडी शर्मा ही था। और ये कुछ टेस्टिंग हो रहा है कार का, ये शायद MG की इलेक्ट्रिक कार है। हम वडोदरा से आगे आ चुके हैं, और ये पावागढ़ जाने का एक रोड है, वो कनेक्ट होता है आगे से, तो सरदार भाई ने देखा है इसलिए हम सब उनके पीछे चल रहे हैं। और माहौल देखिए आप, बारिश का सुबह का माहौल था, और अभी ये क्लाउड वेदर, वाओ व्हाट अ सीन। रियली जो मॉर्निंग का राइड का मज़ा है वो किसी राइड पे नहीं है। सो मोस्टली हम पहुंचने वाले हैं, और सरदार भाई ने बताया कि पावागढ़ का जो नया रास्ता बना है वो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी कर्वी रोड बनाया है, मज़ा आएगा आगे। वाह व्हाट अ वेदर। करीब करीब हम 15 से 18 बाइकर्स हैं, और ऑल 650s। बहुत ही मज़ा किया हमने यहाँ पहुँचने के समय। अभी बस ये पावागढ़ का एंट्रेंस हो चुका है, और बहुत दिन के बाद हम यहाँ आए, और मैं तो बहुत सालों के बाद आया हूँ पावागढ़, तो रास्ते बहुत सही बना दिए अभी। अभी यहाँ पे हम थोड़ी देर खड़े रहेंगे, और कर्वी रोड स्टार्ट हो गए है, और हम ये कॉर्नरिंग करते हुए ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है जब भी बाइक का कॉर्नरिंग करने का टाइम आता है। यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो बहुत ही अग्रेसिवली कॉर्नर नहीं कर सकते क्योंकि स्लिप हो जाता है बाइक। पब्लिक बहुत है आज, देखते हैं हम का पार्किंग का स्पेस कहाँ पे मिलता है। फाइनली हम वहाँ पे दर्शन करके निकल गए, और यहाँ पे हम रिटर्न हो रहा है क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था अंदर मंदिर के अंदर, तो हमने वहाँ पे खाना खा लिया और बैठे एक घंटा, और उसके बाद हम निकल गए। और सरदार भी ने बताया कि आगे एक और मस्त जगह है, वहाँ पे हम फोटोग्राफी भी अच्छी कर सकते हैं, और वहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे, बातचीत करेंगे, और फिर निकलेंगे क्योंकि ऑलरेडी 12 तो बच ही गए हैं। खाना भी खा लिया इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम पावागढ़ के नीचे आ चुके हैं, और थोड़ी देर यहाँ पे खड़े रहेंगे, थोड़ा फोटो सेशंस करेंगे, फिर निकलेंगे। सरदार भी ने बताया है उस जगह पे कौन है। Oh, my God.
यहाँ पे आप संभालना पड़ता है, कहीं भी कुछ भी आ जाता है। हम पहुंच गए यहाँ पे, काफी अच्छी जगह है। थैंक यू सरदार भाई। ये है सरदार भाई जिसने हमको ये प्लेस बताया, काफी अच्छी है फोटोग्राफी के लिए। यहाँ पे सब आई थिंक सब प्री वेडिंग करने के लिए भी आते हैं। ये हमारे बीनी शर्मा जी व्लॉग उतार रहे हैं और देखिए कैसे कैसे जुगाड़ अपना रहे। इससे हम निकल गए अहमदाबाद जाने के लिए और फाइनली ऑल बाइकर्स आर टुगेदर। और मैंने अभी एक्सचेंज किया है नीलेश भाई का इंटरसेप्टर, देखते हैं ये बाइक भी कैसा है परफॉर्म करता है। राइडिंग पोजीशन ही चेंज है खाली, बाकी ऑल सेम। सो नीलेश भाई चला रहे मेरी बाइक। मैंने बताया कि मेरे बाइक में कुछ स्टीयरिंग का इश्यू है, आप देखिए कैसा है और फीडबैक दीजिए ताकि मैं सर्विस स्टेशन को बता सकूं कि ये इश्यू आ रहा है। सो ये भी काफी स्टेबल बाइक है, कॉर्नरिंग में इतनी अच्छी कॉन्फिडेंस नहीं आता ये बाइक पे। ऑब्वियसली GT इज अ बेटर वन फॉर मी। चलिए तो हम आगे गैलोप्स में मिलते हैं, वहां पे थोड़ी देर खड़े रहेंगे, जिसको चाय पीनी है वो चाय पीगा और हम तो निकल जाएंगे क्योंकि हमारा काम शाम को है थोड़ा, तो घर जाके वो काम भी करना है। अपने बाइक को पीछे से देखना काफी अच्छा एहसास है, काफी अच्छी लग रही है। और टुगेदर अब जिसको चाय पीनी है ब्रेक लेना है वो ले सकता है और जिसको जाना है यहाँ से बाइक करके जा सकता है। तो बैक टू द हाईवे, हम जाते हैं अभी घर पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कि आपको कौन सा राइड देखना है या क्या पसंद करते हैं देखना बाइक के रिलेटेड, तो नेक्स्ट वीडियो में उसी ऊपर के बनाऊंगा। बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।